देखिए पिछले कई समय से 8 जनवरी के जब आंदोलन के बाद हम भोपाल से लोग घर पहुंचे हैं, उसके बाद से कई थानाओं में लगातार कुछ शिकायतें हम लोगों को मिल रही थी कि हमारे लोगों को जबरन फंसाने का काम किया जा रहा था, जिसमें महतपुर टीआई जो है दिनेश गोजेजी, एक पिछला घटनाक्रम में उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर वापस उनको वहाँ भेज दिया गया। जब से उनको भेजा है तब से उनने हमारे लोगों को टारगेट बनाया, और 6 तारीख की पिछली घटना है, उन लोगों ने उसने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था उस घटन में, जिसमें से 2 को तत्काल प्रभाव से पेश कर दिया और 2 को थाने में रखा। थाने में मेरे सामने कैबिन में बुलाकर बैल से लाश घुसों से उनके साथ मारपीट की गई, जो धर्मेंद्र पहाड़िया एक आरक्षक दोनों थे। हमने साहब से मांग की है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग यहाँ न्याय के लिए आए, कोई भी अधिकारी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, तो उनको तत्काल प्रभाव से आप निलंबित करें। साथ ही चिंतामण थाने का एक मामला हुआ था जो ग्रामीणों का आपसी मामला था, उसको भी जातिगत रंग देकर निर्दोषों के ऊपर एफआईआर की गई, और साथ ही जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, जिन लोगों का अपहरण हुआ, वो जेके में एडमिट है, अभी तक उनके खिलाफ उनके पक्ष से एफआईआर नहीं हुई। हमने साहब से मांग की है कि साहब उसमें भी जांच करने के बाद, अभी एसपी साहब ने हम लोगों को बोला है कि कुछ समय चाहिए उनको कार्रवाई के लिए, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, तो अभी हमने उनको कुछ जवाब नहीं दिया है, हम लोग सब चर्चा करेंगे उसके उपरांत ही आगे जी। एक चीज मैं कह दूं, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीएम शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, मामा को लेकर कुछ गाली दी गई थी, और उसमें भी 10-15 लोगों को, लेकिन माननीय टीआई साहब द्वारा 33 लोगों को नाम दर्ज, 70 लोगों को अज्ञात, और भी आरोपी बनने का प्रयास, जो कि मात्र वीडियो में 10 से 15 लोग हैं, और सीएम साहब जब खुद माफ कर चुके हैं डाल चुके, तो पुलिस किस कारण से अगर हमारे साथ अत्याचार कर रही है, इसी मामलों को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।